हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? तो किसे कहा गया था रिक्रूटिंग सर्जेंट? तुम्हारा आंसर क्या है? महात्मा गांधी को। ठीक है, तो किसे कहा गया था रिक्रूटिंग सर्जेंट? महात्मा गांधी को। आगे चलते हैं। अब हम किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो किस योजना ने किया था ऐसा? हमारा आंसर क्या है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव था उसने किया था ये। ठीक है, जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था उसमें कहा गया था कि उस योजना में कहा गया था कि जो अल्पसंख्यकों की संख्या है वो समस्या है, समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में वो बड़ी रुकावट बन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? तो मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में भाग क्यों लिया था, क्या कारण रहा था प्रमुख इसका? तुम्हारा आंसर क्या है? कि क्योंकि उनको खिलाफत आंदोलन में सहयोग मिला था। कौन सा आंदोलन में? जो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन जो था उनमें उनको सहयोग मिला था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम असहयोग आंदोलन में भी सहायता करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय हो उन रियासतों की होगी, निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसने कहा था? तो किसने कहा था यह कथन? हमारा आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह कथन। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो किस भारतीय ने दिया था कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र? हमारा आंसर क्या है? शंकरन नायर ने। जो शंकरन नायर थे, उन्होंने, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के टाइम पे, उनकी कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था, रिजाइन कर दिया था उसके विरोध में, जलियांवाला कांड के विरोध में 1919 में। ठीक है, किसने किया था? शंकरन नायर ने। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राष्ट्रपति नेता ने किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो किसने किया था मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 से कांग्रेस से इस्तीफा? हमारा आंसर क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थी, जो राजगोपालचारी थे, उन्होंने ही इस्तीफा दिया था किससे? कांग्रेस से 1942 में। किसका समर्थन करते हुए? पाकिस्तान के मुस्लिम लीग का। ठीक है, किसने दिया था ये इस्तीफा? चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कमागा टमारू की घटना किस वर्ष हुई? तो जो कमागा टारू की घटना थी, कमागा टमारू की, वो किस वर्ष में हुई थी? हमारा आंसर क्या है? 1914 में। तो कमागा टमारू की जो घटना हुई थी 1914 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? जो मुस्लिम लीग था, उन्होंने किस अधिवेशन में दिया था डिवाइड एंड क्विट का नारा?
ये दिया था उन्होंने कराची अधिवेशन में, जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन उसके अंदर उन्होंने दिया था डिवाइड एंड क्विट का नारा। ठीक है, ये कब हुआ था अधिवेशन? 1943 में, 1943 में अधिवेशन हुआ था कराची का, कराची अधिवेशन, और उसमें उन्होंने दिया था डिवाइड एंड क्विट का नारा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा, यह कथन किसका था? तो किसका था यह कथन कि हालात की मजबूरी थी और हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा? ये जो कथन कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कथन। किस लिए कहा था ये कथन? जब विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस टाइम पे कहा था जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी, इस कमीशन का नाम था? तो जो जलियांवाला कांड के लिए, हत्याकांड के लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हंटर कमीशन। क्या था? हंटर कमीशन। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो जांच हुई थी, उसके लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ऐसी कौन सी घटना थी जिसके खिलाफ जो है वो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो हमारा आंसर क्या है? रोलेट कानून। जो रोलेट कानून था उसके लिए, जो रोलेट लॉ था, रोलेट लॉ था उसके लिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 में किसने किया था विरोध, वो विद्रोह किसने किया था? हमारा आंसर क्या है? नामधारी सिखों ने। जो नामधारी सिख थे उन्होंने किया था ये विद्रोह। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में जो नामधारी सिख थे उन्होंने विद्रोह किया था। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? तो ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे इस बुक के? हमारा आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जो बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने करी थी स्वतंत्रता देने की घोषणा भारत को? हमारा आंसर क्या है? एटली ने। जो प्राइम मिनिस्टर एटली थे उस टाइम के, ब्रिटिश ब्रिटिश के, वो ब्रिटेन के, तो उन्होंने घोषणा करी थी कि इंडिया को क्या मिलेगा? स्वतंत्रता मिलेगी। 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा करी थी उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर है लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा जो था बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।